नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज का वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अपने ससुराल में शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित हैं। दोस्तों, महिलाओं के दिल में कई सारे अरमान होते हैं कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उनके दिल में कई सारे सपने होते हैं, तो वहीं कुछ सपने तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ सपने दिल में दबे रह जाते हैं। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्यार लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। वहीं कई बार पुरुष तो अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करने तक पे उतर आते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करें और कहां जाएं। कुछ पति तो अपनी पत्नी को गालियां देते हैं और उनके साथ मारपीट करने तक पे उतर आते हैं। गाली गलौज और मारपीट करना बहुत कॉमन है, लेकिन भारतीय महिलाएं इसे अपनी आदत बना लेती हैं। अगर पति मारपीट करता है तो आप समझ सकती हैं वो आपकी इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं करता। वहीं अगर आपके बच्चे भी हैं तो इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। ऐसे में बहकावे में ना आए। एक बार जिस पति का हाथ उठ गया, फिर उसका रुकना बेहद मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि हिंसा करने के बाद पति बेहद अफसोस जाहिर करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, पर अगली बार फिर वही होता है, क्योंकि यह एक मानसिक रोग या नशे की आदत जैसा हो जाता है। ऐसे में परिवार वालों से बात करें। वैसे तो ऐसे पति के साथ रहना मूर्खता है, लेकिन अगर आप उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी ससुराल वालों से इसके बारे में बात करें। अगर वह भी आपकी बात सुनने को तैयार ना हो तो आप अपने माता पिता से बात करके इसका हल निकालें। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले खुद के बारे में जरूर सोचें। अक्सर महिलाएं सामाजिक पारिवारिक दबाव या इमोशनल होने के चलते ऐसे इंसान के साथ समझौता करने को राजी हो जाती हैं। ऐसा वो तब तक करती हैं जब तक वह पूरी तरह से बिखर ना जाएं या आगे बढ़ने के रास्ते बिल्कुल बंद ना हो जाएं। मगर ऐसे मामलों में सुरक्षा को नज़रअंदाज करना कहाँ की समझदारी है। जब परिवार या समाज आपके दर्द में आपका साथ नहीं दे पा रहा है, आपको बचा नहीं पा रहा है, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलें। बच्चे को कमजोरी ना बनाएं। अक्सर औरतें बच्चों को कमजोरी समझकर ऐसे रिश्ते में रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे को पिता से दूर रखना सही नहीं है, मगर यह एक कमजोर दलील है। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन सकता, वो अच्छा पिता कैसे बनेगा। दूसरी बात, आज आपका पति आपके साथ मारपीट या गाली गलौज करता है तो इसका असर आपके बच्चे की सोच और भविष्य पर भी पड़ता है। इसीलिए ऐसी दलीलों से खुद को ना बहलाएं और इस रिश्ते से बाहर निकलें। सिंगल मदर हमेशा लाचार माँ से बेहतर विकल्प है। डोमेस्टिक बैलेंस की बात करें तो जरूरी नहीं है कि मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना को ही घरेलू हिंसा अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाए।
अगर आप अपने पति के साथ मानसिक तौर पर खुश नहीं हैं तो इसे भी डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा ही माना जाएगा। ऐसे में आप उन पर केस करके कंपनसेशन यानी कि महीने का खर्चा भी ले सकती हैं। खर्चे की टेंशन ना लें। कई बार हाउसवाइफ यह सोचकर केस नहीं करती हैं कि उनका केस का खर्चा कौन उठाएगा। वहीं अगर वो अलग हो जाती हैं तो उनका और उनके बच्चों का क्या होगा। मगर आजकल औरतों के लिए इतने कानून बन गए हैं कि आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने पति से अलग होने के लिए आप मेंटेनेंस या घरेलू हिंसा का केस डाल सकती हैं। ऐसे में कोर्ट आपके केस का खर्चा उठाएगी। इसके बाद पति से आपको मेंटेनेंस का खर्चा मिलेगा जिससे आप अलग होने के बाद अपना खर्चा उठा सकती हैं। आपके पास रास्ते बहुत हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ जानकारी की। इसीलिए अगर आपका पति भी गाली गलौज या मारपीट करता है, आपके साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना करता है, शारीरिक या मानसिक शोषण करता है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें। हो सकता है कि लोग आपको बातें सुनाएं, आपके परिवार वाले आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन अपनी जिंदगी और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। डरें बिल्कुल नहीं, डटकर उस सिचुएशन का सामना करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।